नमस्कार सभी को, मैं हूं शांभवी सिंह सेंगर फ्रॉम अच्छा वाला कॉलेज। आप सबका स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो पे। गोवा की सरकार ने नीट यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिस निकाला है, जिसमें उन्होंने कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मेंशन की हैं, जो कि उनके लिए फॉलो करनी बेहद जरूरी है। एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझेंगे। ये पॉइंट्स आते हैं इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स ऑन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन राउंड शेड्यूल के अंदर। इसके अंदर कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है कि ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट इन पर्सन एट डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पोलवरम टू अवेल एडमिशंस एज पर बिलो शेड्यूल एट लीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू राउंड टाइमिंग्स। यानी राउंड शुरू होने से 30 मिनट पहले कैंडिडेट्स को डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पोलवरम पे पहुंच जाना है एडमिशन के लिए विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। दूसरा पॉइंट है, कैंडिडेट्स मस्ट कैरी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अ फोटोग्राफ, एक्नॉलेजमेंट कार्ड एंड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। जी हाँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करना बहुत जरूरी है, उन्हीं के बेसिस पे आपकी एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तीसरा पॉइंट है, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स कैंडिडेट्स शैल रिपोर्ट टू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस फॉर पेमेंट ऑफ फीस एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर शेड्यूल टू बी नोटिफाइड। यानी अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को उनके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस पे पहुंच जाना है अपनी फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, All NEET based applicants need to carry copy of their NEET 2023 scorecard. जी हाँ, अपने NEET 2023 का scorecard carry करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा अपनी list of documents. Fifth point है यहाँ पे fees को लेकर, जिसमें लिखा है ₹1700 admission fee is payable by all students admitted for the first time through online payment link or POS or demand draft. In favor of Director of Technical Education payable at Panaji. यानी ₹1700 एडमिशन फी है सारे कैंडिडेट्स के लिए। आप इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं, POS या फिर DD के तौर पर पे कर सकते हैं, इन फेवर ऑफ डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज फी भी बताई गई है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलिम MBBS गवर्नमेंट के लिए ₹70,200 जनरल कैटेगरी, ₹43,700 SC/ST/OBC और ₹54,300 FFPH या एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट्स के लिए। गोवा डेंटल कॉलेज बांबोलिम BDS गवर्नमेंट के लिए 69,000 जनरल कैटेगरी, 42,500 ST/SC/OBC और 53,100 PHFF या एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट्स के लिए। फिर गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलिम AHS गवर्नमेंट के लिए ₹23,200 जनरल के लिए, ₹13,200 ST/SC/OBC के लिए और ₹17,200 FFPH एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट्स के लिए। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट ₹32,800 जनरल के लिए, ₹20,800 SC/ST/OBC के लिए और ₹25,600 PHFF और एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट्स के लिए। फिर बताया गया है कि कैंडिडेट्स मे नोट दैट एनी एडमिशन कैरीड आउट ऑन बेसिस ऑफ wrong NEET marks, NEET rank, category document or eligibility status shall be cancelled. Hence, candidates may exercise utmost caution in verifying their eligibility and NEET score on the provisional merit list. Yani, galat NEET marks, rank, category document ya eligibility status pakde jane pe admission cancel ho jayega aapka. To ye sari cheeze aapko bahut cautiously verify karke rakhni hai pehle se, jisse baad mein kisi bhi tarah ki takleef na aaye. इसके बाद लिखा है, कैंडिडेट्स फिगरिंग इन मोर देन वन कैटेगरी इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैन अटेंड द राउंड ऑफ एडमिशन इन ऑल द कैटेगरीज इन विच दे आर एलिजिबल टू अवेल सीट ऑफ देयर चॉइस एज पर प्रोविजनल मेरिट। कैंडिडेट्स जो कि एक से ज्यादा कैटेगरी में अपीयर कर रहे हैं, वो सारी कैटेगरीज के एडमिशन राउंड अटेंड कर सकते हैं जिनमें वो अपनी चॉइस की सीट अवेल करने के लिए एलिजिबल है। लास्टली यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल एप्लीकेंट्स हु हैव सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट्स इश्यूड बाय अथॉरिटीज फ्रॉम आउटसाइड गोवा स्टेट will not be considered for reservation in the respective categories but figure in the general category provisional merit list subject to fulfilling the requirements of general category. Yani wo sare applicants jinhone Goa se bahar ki authority se caste certificate issue karwaya hai wo reservation ke liye consider nahi kiye jayenge. To ye thi aaj ki badi update. Aasha karti hu video pasand aaya hoga aap sabko. Aap sabko bahut bahut shubhkamnaen aapke aage ke NEET ki counseling ke liye. मैं फिर आऊंगी आप सब तक, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।